व्रत की स्पेशल इडली बनाने के लिए मैंने लगभग 50 ग्राम समा के चावल व 30 ग्राम साबूदाने का इस्तेमाल किया है। अब हम एक मिक्सी के जार में डालकर समा के चावल व साबूदाने को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। पीस जाने के बाद पाउडर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम इसके अंदर लगभग 1 चम्मच सेंधा नमक डाल लेंगे। अब इसके साथ साथ इसके अंदर 1 कटोरी दही भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इडली का मोल्ड बनाने के लिए लगभग 3 कटोरियों में अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। 30 मिनट हो जाने के बाद बैटर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम इसके अंदर इनो डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इडली का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। जो बैटर मैंने तैयार कर लिया था उसे हम मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 1/2 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और अब हम कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रखकर इडली का मोल्ड इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इडली के साथ चटपटी चटनी बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली, 4 कटी हरी मिर्ची, थोड़ी कुटी अदरक, 4 चम्मच दही, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जीरा और हरी मिर्ची का तड़का दे देंगे। अब आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट के बाद हमारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चम्मच से इडली को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो व्रत की इडली कितनी ज़्यादा फूली फूली और यमी बनी है। अगर आपको व्रत की इडली की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें।